मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मेरी भगनी 16 वर्ष का उम्र है, नाबालिग है। हमारा मुखिया का पुत्र रोशन कुमार हमारे भगनी को अपहरण कर लिया है, और यह अपहरण करने के बाद हम उनसे गए गुहार लगाने, जो हमारा भगनी को रिसीव करवाइए। तो कहे जो कि हाँ, जैसे तुम्हारे भगनी को अपहरण कर लिया है वैसे तुमको भी अपहरण कर लेंगे। और तो थाना प्रभारी को कहने के बाद थाना प्रभारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, थाना प्रभारी मुखिया से मिले हुए हैं। घटना कब की है? घटना 1 तारीख की सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है। आप देखे घटना? जी जी, घटना के समय ये हम घर पे ही थे, चिल्लाने की आवाज़ सुन के हम दौड़े मोटरसाइकिल से, हम तेजी से खेते भी, लेकिन पूरब की ओर गाड़ी भग चुकी, गाड़ी स्कॉर्पियो थी, हम लोग नंबर गाड़ी का नहीं देख पाए कुहा के लेके, और गाड़ी हम लोग तो निकल चुके। तो आप लोग किसको आरोपित किसको किए हैं? आरोपित मुखिया का पुत्र है, जिसमें मुखिया पूरा फैमिली साजिश में है। नाम बोलिए। रोशन कुमार नाम है उसका। हाँ, और उसका शादी भी हो चुका है, वो 3 बच्चे का बाप है, इससे पहले भी अदर कास्ट के लड़की को रखे हुआ है, और इससे पहले भी बहुत घटना कर चुका है, नाबालिग लड़की के साथ में बहुत घटना कर चुका है वो। हाँ, और उस पर थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नामजद व्यक्ति सबका नाम बोलिए जो इस घटना में शामिल है सबका। जी, रोशन कुमार हुए, संजीत कुशवाहा हुए, उनका भाई रंजीत कुशवाहा हुए, फिर उनका दिलीप कुशवाहा हुए, और मुखिया फुल कुमारी देवी भी हैं। कहाँ के मुखिया हैं? वो आलमपुर सिमरी के मुखिया हैं। आलमपुर सिमरी का हैं? और आई? जी, और आई। तो क्या थाना अध्यक्ष एक्शन नहीं ले रहे हैं? जी नहीं, थाना अध्यक्ष एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये आप ये आवेदन दिए हैं कहाँ दिए हैं आप? ये आवेदन हम थाना प्रभारी को पहले दिए, थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिए, फिर हम आगे आवेदन बढ़ा रहे हैं वरीय पदाधिकारी के। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार, वो मेरी भगनी थी, यही रहती थी? जी जी जी, आप ही के गांव में रहते? जी जी, जो हम उसको यहीं रखते थे।